मध्य प्रदेश में वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। नर्सिंग एसोसिएशन पिछले कई दिनों से हड़ताल की चेतावनी दे रहा था और आज से नर्सेज ने काम बंद करके हड़ताल शुरू कर दी है। एसोसिएशन का कहना है कि अब मांगे पूरे होने के बाद ही हड़ताल वापस ली जाएगी। नर्सेज की मांग है कि 2004 के बाद नियुक्त सभी स्टाफ नर्सों की पुरानी पेंशन लागू की जाए, कोरोना काल में काम करने वाली नर्सेज को 2 वेतन वृद्धि दी जाए और प्रतिनियुक्त समाप्ति पर स्थानांतरण की प्रक्रिया चालू की जाए। सरकारी नर्सेज के उच्च शिक्षा के लिए आयु सीमा बंधन हटाया जाए, कोरोना काल में अस्थायी रूप से भर्ती नर्सेज को नियमित किया जाए और नर्सेज का स्टाफ नर्स के पदनाम बदलकर नर्सिंग ऑफिसर किया जाए। 7वें पे कमीशन का लाभ 2016 से दिया जाए और कोरोना काल में मौत होने पर नर्स के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और 15 अगस्त को राष्ट्रीय कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया जाए। मेल नर्स की भर्ती भी तत्काल की जाए। सरकारी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को कलेक्टर रेट पर मानदेय, तो नर्सेस की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा प्रभावित है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर की। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन जो है वो हड़ताल पर है और किस तरीके से नर्सों ने आज काम बंद किया है, किस तरीके से सभी नर्सेज जो है वो आज रोड पर है, सड़कों पर है, अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आंदोलित है। तो यहाँ आपको बता दें कि नर्सेस की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित है। अगर नर्सेस की मांग को लेकर बात की जाए तो 2014 के बाद नियुक्ति सभी स्टाफ को पुरानी पेंशन दी जाए और कोरोना काल में काम करने वाली नर्सेस को 2 वेतन वृद्धि की मांग यहाँ पर की जा रही है नर्सेस के द्वारा और प्रतिनियुक्ति समाप्त कर स्थानांतरण की प्रक्रिया चालू की जाए। सरकारी नर्सेस के उच्च शिक्षा के लिए आयु सीमा बंधन हटाया जाए। तो मांग ये भी की जा रही है कि कोरोना काल में अस्थायी रूप से भर्ती नर्सेस को नियमित किया जाए और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नर्सेस का स्टाफ नर्स के पदनाम से बदलकर नर्सिंग ऑफिसर किया जाए। 7वें पे कमीशन का लाभ 2016 से दिया जाए। तो जो नर्सेस हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं और नर्सेस की मांग कुछ इस तरीके से है। जो है वो तत्काल यहां पर करने की बात यहां पर की जा रही है और इन्हीं मांगों को लेकर जो नर्सेस एसोसिएशन है वो इस वक्त आंदोलित है और आंदोलन कर रही है, हड़ताल कर रही है। तस्वीर आपके सामने है, इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो नर्सेस एसोसिएशन है वो आज अपने कामों को बंद करके किस तरीके से सड़कों पर उतरी है अपनी मांगों को लेकर। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नर्सेस एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो हाईकोर्ट भी पहुंच चुकी है।